सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यार जो भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है उनके ऑर्गेनिकली कैसे आप गेन कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप है, लेकिन आपको किस मेथड में फॉलो कर लेनी है। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी मेथड बताने वाला हूं यार, वो उन लोगों के लिए अप्लाई होते हैं जिसके भी फॉलोअर्स 0 to 10K के अंदर है। अगर आपके फॉलोअर 10K के ऊपर भी गए तो आपको इस मेथड जो भी अप्लीकेबल नहीं होने वाला, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं जो भी 10K के अंदर फॉलोअर्स है यार, आपकी फॉलोअर जो कैसे गेन करनी है ऑर्गेनिकली, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता है यार इंस्टाग्राम के बारे में वीडियो देखनी है, तो इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर सकते हो, इस तरह की क्वालिटी वीडियोस मिस नहीं होंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो ये वीडियो है यार, ये वीडियो फॉलो एंड अनफॉलो मेथड के ऊपर बेस है। तो गाइस, आपको पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो को, इस फॉलो एंड अनफॉलो मेथड को बहुत लोग मिस्टेकली यूज़ कर लेते हैं और उनको जो अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको स्ट्रिक्टली कैसे यूज़ करनी है फॉलो एंड अनफॉलो मेथड, यूज़ करके कैसे फॉलो गेन करनी हो अच्छी तरीके से, आपको इस मेथड में वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी मेथड्स है यार, वो बेसिकली 3 मेथड्स है, उसको आप कैसे मैन्युअली यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है यार, वो है आपको पहले एक नीच, परफेक्ट स्पेसिफिक नीच डिसाइड कर लेनी है। स्पेसिफिक नीच मतलब इसकी गाइस मतलब होगी कि गाइस, आप अगर ट्रैवल की वीडियोस डालते हो तो गाइस आपकी जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जिसके भी 100K के ऊपर है ट्रैवल की वीडियोस डालने वाले हैं, पोस्ट डालने वाले, उसको आपको फाइंड आउट करनी है आप ट्रैवल की ना है। तो आप कौन से भी गाइस, जो नीच में आप इंटरेस्टेड हो, उस नीच की आपकी जो है फॉलोअर्स की जो प्रोफाइल है, उसको आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद गाइस आपको एक काम करनी है गाइस, सेकंड जो स्टेप है गाइस, आपको उनकी अकाउंट में ओपन कर लेना। मैं रेकमेंड करता हूँ गाइस कि आप यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं फिलहाल तो पप्पा गायकवाड़ की अकाउंट। अगर पप्पा गायकवाड़ की अकाउंट में अगर जाऊँगा गाइस, इसमें अगर आपको सेकंड जो फॉलो कर लेनी है, क्योंकि फॉलोअर्स को आपको जाके फॉलो नहीं करनी है। बहुत लोग गाइस यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, वो जाके सीधे उनके फॉलोअर जो है यार, उनके फॉलोअर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड कर नहीं करूँगा। अगर आप ऐसे फॉलो कर लेने बैठ दोगे तो जो भी इनके फॉलोअर्स है बहुत इनएक्टिव भी रह चुके होंगे। लेकिन मैं इनकी जो रिसेंट पोस्ट है गाइस, जो भी रिसेंट जो पोस्ट डाले है, इसकी पोस्ट को मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करके गाइस यहाँ पे जो लाइक जो है, लाइक में जाऊँगा मैं। जो भी इनके प्रोफाइल को अगर लाइक करेगा गाइस, उनको आपको फॉलो कर लेनी है, क्योंकि गाइस बहुत लोग जो इनएक्टिव भी फॉलोअर्स रहते हैं, उनको फॉलो करके आपको जो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जो भी इनके लाइक्स जो है गाइस, इनकी लाइक जो, इनको सबको फॉलो कर लेनी है आपको। जैसे आप इनको सबको फॉलो कर लिए यार, वो भी आपकी जो आपकी आपकी प्रोफाइल चेक कर लेंगे, चेक करके अगर आपकी कंटेंट मुझे पसंद आई तो गाइस उन्हें भी फॉलो या फॉलो बैक आपको भी कर देंगे। तो गाइस, आपको जो इस वीडियो में ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको तो फोर्थ अगर स्टेप बताऊंगा गाइस, इनको सबको फॉलो कर लेने के बाद उनको चाहे उनको जो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती भी या नहीं भी होगी, आपको सिंपल इनके प्रोफाइल ओपन कर लेने हैं। प्रोफाइल ओपन करने के बाद फिलहाल तो एक्टिव से अकाउंट प्राइवेट है। जो भी इनकी जो मतलब इनकी जो ओल्ड या न्यू पोस्ट को जाके आपको 1-2-3 लाइक दे देनी है, क्योंकि गाइस उन्हें नोटिफिकेशन भी हो जाएगा कि गाइस आप उनको फॉलो भी कर चुके होंगे और उनके लाइक भी आप दे चुके होगी। तो गाइस वो भी आपकी प्रोफाइल को आपको लाइक भी और आपको फॉलो भी करने ज़रूर लग जाएंगे। तो गाइस अगर बात करूँ तो गाइस, अब अल्टीमेट जो अनफॉलो करने की अगर बात आई तो गाइस आप सबको फॉलो तो नहीं कर सकते, इसमें सर से बहुत दिक्कत यही आती थी। अगर आप मिनिमम मैक्सिमम अगर फॉलो करें तो गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर 7000 से ऊपर आप फॉलो नहीं कर सकते किसी के भी प्रोफाइल को। आप 7000 के ऊपर मैं तो रिकमेंड करूँगा गाइस आपको 1000 के ऊपर आप किसी को भी फॉलो मत कीजिएगा। अब बात आती है गाइस अनफॉलो कैसे करनी है। अनफॉलो की अगर बात करें तो गाइस आपको मैंने यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे एक वीडियो रेकमेंड कर दिया है, जो मैनुअल तरीके से बहुत तो हार्ड हो जाएगा। आपको सबको मैनुअली अनफॉलो करते बैठे तो गाइस बहुत ही लेट हो जाएगा। लेकिन आपको एक ऐप की मदद से कैसे सबको एक बार अनफॉलो कर लेनी है, वो मैं राइट साइड में जो कॉर्नर पे कोई वीडियो दिख रही है उसमें आपको आई बटन पे उसको क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। गाइस अगर आपकी बात करें तो गाइस अनफॉलो कब और कैसे करनी है, तो गाइस आपको अनफॉलो सबको प्रोफाइल को एक बार ही नहीं करनी है। आपको अगर आप फॉलो कर लिए तो गाइस 2-3 वीक्स तक आपको रुकनी है। 2-3 वीक्स रुकने के बाद आपको बाद में उन्हें अनफॉलो कर लेनी है, क्योंकि गाइस आप सडनली अगर अनफॉलो कर दिए तो गाइस वो भी आपको नोटिफिकेशन और उनके भी फॉलोअर्स जो कम हुए तो आपकी चांस है कि आप ये प्रोफाइल को भी अनफॉलो कर देंगे। इसीलिए आपको 2-3 वीक्स तक रुकना है और बाद में रुक के उनको अनफॉलो कर लेने का, और गाइस सेम मेथड आपको रिपीट कर लेने का। इस होप ये वीडियो अगर इस मेथड को आप केयरफुल यूज़ करेंगे तो गाइस आपको फॉलो भी 60 प्रोफाइल के ऊपर नहीं कर लेनी। बहुत लोग कर देगी गाइस एक ही बार 200-300 अकाउंट को फॉलो कर लेते हैं, डेली आपको 60 प्रोफाइल के ऊपर फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि गाइस इस तरीके का कड़े होने गाइस आपकी अकाउंट ब्लॉक होने के चांस बिल्कुल भी कम हो जाएंगे और ज़्यादा हद तक भी आपकी प्रोफाइल भी सिक्योर रह जाएगी।
तो गाइस बहुत लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं कि गाइस वो 200-300 फॉलो प्रोफाइल को एक ही बार फॉलो करके अनफॉलो में मार देते हैं। अनफॉलो भी आपको 2-3 वीक्स के बाद मारनी है और आपको अच्छी खासी फॉलोअर्स गेन भी होते रहेंगे। तो गाइस वीडियो में जो पता था यार मुझको इस इंस्टाग्राम ट्रिक या टिप भी कर सकते हो, जो मुझे पता था वो आपको बता दिया। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करके इस तरह की क्वालिटी वीडियोस उन्हें भी देखा सकते हो। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ाते रहो और पैसे कमाते रहो।